दोस्तों आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त का जन्मदिन है। 1929 में जन्मे सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। एक दौर दोस्तों ऐसा था जब संजय दत्त की नशे की आदत और 1993 में बम धमाकों में नाम आने की वजह से सुनील दत्त काफी तनाव में रहने लगे थे। दोस्तों इस दौरान ये भी आरोप लगे कि सुनील दत्त बेटे के चलते बाल ठाकरे के सामने घंटों बैठे रहते थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार छिपकर बाथरूम में सिगरेट पी थी तब अचानक से पिता सुनील दत्त वहां आ गए थे। सिगरेट पीता हुआ देखकर वो बेहद ही नाराज हुए थे और जूतों से संजय दत्त की पिटाई लगा दी थी। दोस्तों संजय दत्त को नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उनके हाथ से कई फिल्में भी निकल गई। जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो पहले संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन दोस्तों संजय दत्त की ड्रग्स की लत की वजह से सुभाष घई को अपना फैसला बदलना पड़ा। दोस्तों रॉकी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त ड्रग्स लेने लगे थे। हालत तो दोस्तों ये थी कि वो एक दिन ड्रग्स लेकर सो गए और भूख लगने पर जब उठे तो पास में बैठा नौकर रोने लग गया। संजय दत्त ने पूछा कि वो रो क्यों रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि सर आप दो दिन बाद उठे हो। दोस्तों आपको बता दें कि सुनील दत्त की आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ दिखाई दी थी। हालांकि दोस्तों फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी दोनों ने साथ में काम किया था, लेकिन दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में दोनों का साथ में कोई भी सीन नहीं था।